तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WPX होस्टिंग के बारे में कि WPX होस्टिंग हम लोग जो परचेज करते हैं या फिर बाई करते हैं तो उसमें हम लोग को सर्विसेज क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड हमारा जो है, जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग दिखेगा। होस्टिंग में जो है आपको हमारा प्राइस दिख जाएगा $99 जो है पर मंथ जो है। देखिए यहाँ पे बिलिंग साइकिल जो है वो क्या है, मंथली चल रहा है हमारा। नेक्स्ट डेट जो है हमारा वो 17 मई को आने वाला है क्योंकि 17 अप्रैल को हमने जो है इसका बिलिंग किया था। तो नेक्स्ट जो है बिलिंग हमारा आने वाला है वो 17 मई को आने वाला है, ठीक है। अभी जो है ये स्टेटस देखिए यहाँ पे एक्टिव है और जो हमारा मेन डोमेन है जिस डोमेन के थ्रू हमने होस्टिंग को परचेज किया था वो क्या है, globalsolutes.com, एक ट्रेवल साइट है, ठीक है। ये भी हमारा क्लाइंट है। तो आप भी अगर आपको भी वेबसाइट से रिलेटेड किसी चीजों के बारे में अगर जानना है या फिर कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप हम मेल कर सकते हैं, जो कि मेल नीचे मैंने मेंशन कर रखा है। तो हम चलते हैं एक बार अपने सर्विसेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए $99 है यहाँ पे प्राइस इसका। अगर $99 को हम INR में कन्वर्ट करें इंटू INR, एक बार आपको इंडियन रुपीज में पता चल जाएगा कि देखिए मंथली बिलिंग जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 8,112 रुपीज का जो हम लोग इनको पे कर रहे हैं, ठीक है, पर मंथ पे कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 99 12, अगर हम कैलकुलेटर यहाँ से खोल लें और जो है 8,112 मल्टीप्लाई बाय 12 और एंटर, मतलब 1 लाख 1 लाख रुपया जो है हम लोग इस होस्टिंग पे ईयरली जो है क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बदले में हमें मिल क्या रहा है, इन चीजों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। देखिए बॉस डेटा आपके सामने में यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे सामने में आपको, जबकि अदर के कंपेयर में अगर हम बात करें तो 1 लाख में हम होस्टिंगर से जो है जो 10 साल के लिए इस सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। अगर गोडेडी से भी हम बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। डेडिकेटेड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर खरीद सकते हैं जिसमें कि अनलिमिटेड स्टोरेज हम ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा वो है। बट WPX भी कुछ जो है सो सर्विसेज देता है आपको ऐसा जिसको कि आपको यूज करने में लगेगा नहीं कि 1 लाख जो है ईयरली जो है सो हमारा वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग जो है यहाँ से मैनेज सर्विसेज में आएंगे, ठीक है, मैनेज सर्विसेज में आएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि WPX एक जो है वर्डप्रेस होस्टिंग है बेसिकली, ये वर्डप्रेस होस्टिंग ही प्रोवाइड करता है। एक बार WPX का हम आपको वेबसाइट खोल के दिखा देते हैं, WPX.net है, ठीक है। माई सर्विसेज में जाएंगे तो आपको बस 2 सेक्शन मिलेगा, एक वर्डप्रेस होस्टिंग मिलेगा, एक डोमेन मिलेगा। तो वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ही जो है क्या करना पड़ेगा आपको, जो अगर आप स्टेटिक साइट बनाएंगे कुछ जैसे कि CMS साइट नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वर्डप्रेस के होस्टिंग के अंदर ही आपको जो है क्या करना होगा, जो आपको वो उस साइट को जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदर सर्विसेज आपको नहीं दिखेगा, जो शेयर्ड होस्टिंग होता है जैसे गोडैडी पे आप जाते हो वहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हो, होस्टिंगर पे जाते हो तो शेयर होस्टिंग है, वहाँ पे बहुत टाइप्स के होस्टिंग आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कई सारे कैटेगरीज जो है आपको होस्टिंग का जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एज कम्पेयर टू गो डैडी को अगर मैं एक्सप्लोर कर लूँ यहाँ से, एक बार मैं गो डैडी का भी जो है सो डैशबोर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड खोलने के बाद एक बार हम यहाँ से आपको जो है इसके होस्टिंग में चले जाते हैं सेक्शन में और डोमेन और होस्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए होस्टिंग के अंदर जो है, देखिए एक तो है वेब होस्टिंग प्लस है, गो डैडी वेबसाइट बिल्डर है, एक ई कॉमर्स होस्टिंग आएंगे तो वर्डप्रेस ई कॉमर्स होस्टिंग है, गो डैडी ऑनलाइन स्टोर बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज आपको दिख रहे हैं जिसके अंदर कि आपको सर्वर के अंदर जाएंगे तो VPS होस्टिंग है, VPS फुल्ली मैनेज है, डेडिकेटेड सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर पर फुल्ली मैनेज है, रिसेलर है। तो ये सारा जो है आपको कैटेगरीज यहाँ पे गोडेडी में दिख जाएगा, बट WPX में ये कैटेगरीज आपको नहीं दिखने वाला है। ये बस आपको 2 सर्विसेज ही है जो है सो एक ही सर्विसेज होस्टिंग में देता है, वो है कि वर्डप्रेस होस्टिंग। और जो इसका डेटा सेंटर्स होता है वो होता है लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन के अंदर जो है इसका डेटा सेंटर्स होता है जहां से कि आप अपने डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है, या फिर यूजर्स जो है वो आपके डेटा को जो एक्सेस करेगा वो कहां से करेगा, वो लंदन से करेगा। देखिए अगर आप डेटा सेंटर्स नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे गोडेडी अभी जो है क्या इंडिया के अंदर जो है अब जो है शायद स्टार्ट कर दिया डेटा सेंटर्स देना, स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपका ट्रैफिक इंडिया के अंदर में है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा सेंटर इंडिया में ले सकते हैं जहां से कि आपके वेबसाइट का लोड टाइम जो है थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो हमारा जो ज्यादातर क्लाइंट है, जो हमारी कंपनी का क्लाइंट है, वो ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया है। तो हम लोग जो है डेटा सेंटर जो है वो आउट ऑफ इंडिया जो है यूरोपियन सेक्टर में हम लोग ज्यादातर ले रखा है हमने, ठीक है। तो WPX वैसे भी इंडिया में जो है आपको डेटा सेंटर नहीं देता है।
तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार अपने सर्विस डिटेल में। सर्विस डिटेल में अगर आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे जो है सर्विस टाइप है वर्डप्रेस होस्टिंग है, इलाइट यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में जो है हमारा जो है डेटा सेंटर्स है, ठीक है। इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं चाहे तो किसी और लोकेशन पे, अगर हम चाहें तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं इसको सेंटर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो हमारा मेन डोमेन है वो है globalsolidage.com, जिससे कि मैंने आपको बताया कि जिस डोमेन के थ्रू हमने क्या कर रखा है होस्टिंग को बाय कर रखा है, ठीक है। स्टेटस जो है अभी एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन डेट आपको जो दिख रहा है वो 17 अक्टूबर 2020 को हमने लिया था प्रीवियसली, 3 साल से लगातार हम लोग जो है, 3 साल अक्टूबर आ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा, मतलब जो है 3 साल से हम लोग लगातार इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसाइकल रीबिलिंग ड्यू डेट जो है 17 मई को आने वाला है। करंटली अमाउंट जो है $99 जो है USD पर मंथ हम लोग जो है क्या कर रहे हैं इसको जो है पे कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे हम सर्वर डिटेल में आएंगे तो सर्वर डिटेल में देखिए जो है FTP होस्ट हमारा UK5 है, क्योंकि UK हमारा डेटा सेंटर्स है UK में, तो UK5 है, ठीक है। WPX.net है। सर्वर IP एड्रेस हमारा जो है ये है। सर्वर जो है नेम सर्वर जो है, नेम सर्वर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। जैसे कि अगर हम जहां भी डोमेन को जो है सो परचेज करते हैं, बाय करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं वहां पे नेम सर्वर अपडेट करते हैं ताकि हमारा जो है उस डोमेन से हमारे होस्टिंग का जो है क्या हो सके, कनेक्टिंग हो सके, ठीक है। तो ये नेम सर्वर है, XDN IP एड्रेस है ये हमारा इसका, और मॉनिटर द यूजेज ऑफ योर होस्टिंग प्लान, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना यूजेज आपका जो है हो रखा है, ये आप यहाँ से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जब ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक आप बने रहिए कि हमारा होस्टिंग कितना जो है अभी यूजेज हो चुका है और कितना होस्टिंग को अभी हमने हमें यूज करना बाकी है, ठीक है। क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप $99 पे कर रहे हैं इनको तो आप इसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं। इसका भी स्टोरेज अभी लिमिटेड है, इतना लिमिटेड स्टोरेज है इसके अंदर जो है। आप देखिए जैसे यहाँ पे 60 GIB जो है आप क्या कर सकते हैं होस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि अभी 18.51 GIB जो हमने क्या कर रखा है स्टोरेज को जो है मैनेज कर रखा है। करंट मंथ बैंडविड्थ जो है 8.46 GIB जो है हमने कर रखा है, लेकिन बैंडविड्थ जो है यहाँ पे अनलिमिटेड है। लेकिन जो डिस्क स्पेस हमें मिला है कि हम कितना स्पेस जो है अपने इसमें वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने इसके अंदर, तो 60 GB है। 60 GB से ज्यादा हम यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब मैनेज वेबसाइट में हम आ जाएं, तो मैनेज वेबसाइट में क्या है कि वेबसाइट में भी यहाँ पे ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको जो है इसने 35 वेबसाइट का जो है वो दे रखा है कि 35 वेबसाइट से आप जो है ज्यादा होस्ट नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सब डोमेन भी इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप सब डोमेन का अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, सब डोमेन इंक्लूड सब डोमेन भी है कि अगर आपको सब डोमेन भी करना पड़ेगा तो वो यहाँ पे वेबसाइट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये है, अगर मैं आपको एक साइट क्रिएट करके दिखाऊं, जैसे यहाँ पे एड न्यू साइट है, अगर यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन है, यहाँ पे देखिए सब डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे अगर सब डोमेन हम सेलेक्ट डोमेन का ऑप्शन आ गया, अगर डोमेन मान लीजिए हम swissinfo.in पे जाते हैं और यहाँ पे एक जो है ब्लॉग वाला सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और क्रिएट सब डोमेन जैसे हम क्लिक करेंगे तो सब डोमेन तो ये हमारा क्रिएट कर देगा, ठीक है, वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। तब तक आप बने रहिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ब्लॉग इसमें सब डोमेन क्रिएट करने के बाद इसका जो है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। या फिर सब डोमेन हम क्या कर सकते हैं अनलिमिटेड जो है सो सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे सब डोमेन तो हमारा क्रिएट हो चुका है ब्लॉग डॉट स्विसइन्फो डॉट, बट ये काउंट कहाँ हो रहा है पता है आपको, ये वेबसाइट में ही काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट में अभी 24 था लेकिन अभी क्या हो गया 25 हो गया, तो ये हमारे वेबसाइट में भी वेबसाइट में ही काउंट हो रहा है। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सब डोमेन का भी आपका एक वेबसाइट में काउंट होता है, तो आप डोमेन बनाओ या सब डोमेन बनाओ उससे इनको मतलब नहीं है, ये आप वेबसाइट ही बना मतलब 35 जो है आप वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तब तक ये होता रहेगा बैकएंड में। देखिए यहाँ पे 24 कम होकर के 24 आ गया, अभी तुरंत जो है 25 था, ठीक है। तो यहाँ पे 35 वेबसाइट जो है आप क्या कर सकते हैं होस्ट कर सकते हैं। डेटाबेस यहाँ पे अनलिमिटेड आप बना सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल बॉक्सेज है, ईमेल भी आप क्या कर सकते हैं अनलिमिटेड बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप 5 ईमेल 10 ईमेल बना सकते हैं, मतलब जो है अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हैं, उसमें जो है क्या कर सकते हैं आप जो है अनलिमिटेड जो है सो आप क्या कर सकते हैं डेटा को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे FTP यूजर्स है, FTP यूजर्स जो होता है जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे FTP यूजर्स भी आप जो है क्या कर सकते हैं अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है।
नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे डीएनएस है, डीएनएस जोन सेटिंग है, जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट को आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अगर हम नीचे आए तो एफटीपी यहाँ पे यूजर है, ये एफटीपी यूजर आप यहाँ से बना सकते हैं। ये डीएनएस में जाएंगे तो पर्टिकुलर एक वेबसाइट को सिलेक्ट करके उसके डीएनएस में हम क्या कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं, ए रिकॉर्ड हो गया, सी नेम हो गया, टीएक्सटी हो गया, एमएक्स हो गया, जिस भी हमको जो है जिस भी रिकॉर्ड में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल मैनेजर से, फाइल मैनेजर में जाकर आप फाइल हैंडल कर सकते हैं, बैकअप है, WPX, XDN है, ठीक है। बैकअप में बैकअप ले सकते हैं, XDN में XDN को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इनकी बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इनको इस सर्वर को परचेज करने का मोटिव भी ये है कि यहाँ पे देखिए इजी टू यूज है, कोई भी अगर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होगा ना, अगर थोड़ा सा अपना माइंड लगाएगा तो इसके यूएक्स यूआई इतनी अच्छे से बने हुए यूजर इंटरफेस कि आप इसको इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे अगर आप मैनेज वेबसाइट में जाएं तो आप एक दो क्लिक में ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप वेबसाइट को जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको वेब की दुनिया में अगर थोड़ा भी आपको वेबसाइट का नॉलेज है कि कैसे हम लोग जो है नेम सर्वर को जो है डोमेन के साथ मैप करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत चीजें, तो आप यहाँ से एक क्लिक में जो है यहाँ से ऐड न्यू वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से देखिए आ गया टॉप लेवल डोमेन, अगर आपके पास होता है यहाँ से टॉप लेवल डोमेन ले सकते हैं या फिर सब डोमेन ले सकते हैं। यहाँ से डाल करके इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं तुरंत एक मिनट में एक ही बार में जो है आप क्या कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। तो इसको लेने का मकसद ही यही है कि मतलब कोई भी अगर जैसे कोई भी अगर वो आए स्टाफ आए या फिर जॉब करने वाला बंदा आए तो उसको जो है इजिली हो मैनेज करने में, ताकि अगर वो नॉन टेक्निकल इससे भी है अगर थोड़ा बहुत उसको समझा दिया जाए तो इजी वे में क्या करे इन सब चीजों को जो है जैसे ईमेल बॉक्सेज हो गया, एफटीपी यूजर हो गया, इन सब चीजों को मैनेज कर ले, ठीक है। बाकी ये लाइट वेट सर्वर होता है, यानी कि मतलब इसका जो इस पे जो वेबसाइट रन करता है वो बहुत फास्टली रन करता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब लोड टाइम इसका जो इस सर्वर का बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए भी जो है लोग रिकमेंड करते हैं WPS को। बेसिकली ये इतना पॉपुलर नहीं है जैसे GoDaddy Hostinger या फिर नेमचीप हो गया या फिर बिगरॉक हो गया, इन सब को ऐसा ये पॉपुलर नहीं है। बस जो है सो ज्यादातर ये बाहर की मार्केट में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, बट इंडिया में इसको ज्यादातर लोग प्रिफरेंस नहीं देते हैं और ये कॉस्टली भी बहुत है। आपको जैसा कि मैंने दिखा दिया $99 का जो है इसका पर मंथ का है, अगर 1 ईयर की बात हम करें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा होता है 1 लाख के करीब चला जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया में इसको जो है सो नहीं प्रीफेयर करते हैं, बट कई सारे जो है कंपनीज है बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इनको प्रीफेयर करती है। और जो है सो यहाँ पे और जो मेन चीज है इसका बैकअप्स का कि आप 1 मंथ के अंदर में डेटा अगर आपका कहीं डिलीट हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं अपने डेटा का यहाँ से बैकअप ले सकते हैं 1 मंथ के अंदर। इन जो 2400 वेबसाइट है मेरा या फिर मैं 35 वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करूँ तो उन 35 वेबसाइट का भी जो है सो बैकअप मेरे पास 1 मंथ का रहेगा, और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप एक दो दिन मतलब एक महीने के अंदर अगर हम चाहें किसी भी डेट में अपने वेबसाइट को जो सर रिस्टोर करना तो हम उस पर्टिकुलर डेट के अंदर जो हम क्या कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है WPX का जो है सो बेसिक सा जो है इसका डैशबोर्ड का डिटेल था। तो आगे की वीडियोस में हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हम वेबसाइट कैसे ऐड करते हैं अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, वर्डप्रेस हम लोग जो है इंस्टॉल करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है WPX के वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोज को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वो आप तक मिलते रहे। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।